हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवकों की अनूठी दुनिया के बारे में कुछ बात करेंगे। हम में से अधिकांश लोग कवक, फफूंद या फंगस के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये रोग उत्पन्न करते हैं और बहुत ही हार्मफुल हैं। कई बार आपने किसी के लिए यह कहते सुना होगा कि अरे वो तो फफूंद है, यानी बीमारी है। तो कवक या फफूंद को डिजीज़ का पर्याय माना जाता है, जबकि वास्तव में कवकों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। ये जो कवक है, हम हमारे बीच में अक्सर पाए जाते हैं, या हम इन कवकों को एक आम आदमी जानता है। बारिश के दिनों में लेदर, पर्स, जूते पर पाई जाने वाली कवक, या कुकरमुता या अगेरिकस या मशरूम, इसके साथ साथ ही जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पे पाए जाने वाले सफ़ेद काले पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स या स्पॉट्स, ब्रेड पर पाए जाने वाली मशरूम और अचार पर, ये ही कवक हम जनरली हमारे बीच में पाते हैं और आम आदमी इनको कवक मानता है। और क्योंकि ये हार्मफुल हैं, इसलिए क्योंकि ये डिजीज़ करते हैं, इस कवक की ग्रोथ किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, इसलिए आम आदमी इसको हार्मफुल या खतरनाक या हानिकारक मानता है। अब हम बात करते हैं, जबकि कवक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और हर मर्ज की रामबाण औषधि है, वहीं कुछ कवक पोषक तत्वों से परिपूर्ण और बेशकीमती है। कुछ अति सूक्ष्म तो अति विशाल है, कुछ कवक अत्यधिक खूबसूरत है तो कुछ अनेक प्रकार की मनोहारी आकृति बनाते हैं, कुछ विष उगलते हैं तो कुछ प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट फंगस है, जो कि ईस्ट है। इसकी साइज़ 3 से 4 माइक्रोमीटर है, मगर सबसे छोटी भले ही है मगर बड़े काम की है। ये ब्रेड बनाने में और बियर या अल्कोहल बनाने में काम में आती है। दूसरा, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मशरूम, यह अति विशाल और प्राचीनतम मशरूम है, आर्मिनेलिया बल्बोसा। ये कम से कम मिशिगन फॉरेस्ट में 30 एकड़ जमीन ऑक्यूपाई करता है, जिसका वेट 10,000 किलो है और यह माना जाता है कि यह 1500 साल पुरानी कवक है। यह सबसे विशाल और प्राचीनतम कवक है। देन कुछ एडिबल मशरूम हैं, कुछ ऐसे कवक हैं जो खाने योग्य हैं, जिसमें ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मॉरेल मशरूम हैं। ये हेल्दी फ्रूट्स हैं, इनमें प्रोटीन 20 से 30% होता है, जो किसी भी वेजिटेबल और फ्रूट से अत्यधिक है। साथ ही ये फाइबर और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इसमें वो सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए वास्तव में बहुत गुड माने जाते हैं। और ये कवक जो कि एडिबल मशरूम से, ये डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। देन ये कवक है, इसको बरी ट्रेजर या हाईली प्राइज्ड कवक कहा जाता है, जो है ट्रफेल्स। ट्रफेल्स अपनी अडर स्पेशल स्मेल की वजह से मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड्स ऑन द प्लेनेट, जिसकी कॉस्ट 300 से 500 डॉलर पर पाउंड होती है। इसका मतलब लगभग 42,000 से 70,000 एक किलो ये कवक मिलता है, और ये जमीन में मिला जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है, जिसको ट्रेंड पिक्स या डॉग्स की हेल्प से ढूंढा जाता है, और इसी कारण इसको बरी ट्रेजर, हाईली प्राइज्ड मशरूम या कवक कहा जाता है। ये ट्रफेल्स मेलानोस्पोरम है। देन पॉइजनस मशरूम, बहुत ही सुंदर मशरूम से, जिसको कई लोग कई बार चित्रकारी में काम में ले जाते हैं, मगर ये जितने सुंदर हैं उतने ही विषैले भी हैं। ये तीनों ही कवक, चाहे ये ये फ्लाई अगेरिक अमानिता मस्कारिया है, ये स्टिंक हॉर्न कवक है, और ये अमानिता फैलॉइड्स है, जो कि डेथ कैप कही जाती है। ये बहुत ही विषैले मशरूम हैं, और इसको अब मशरूम के बजाय टॉड स्टूल कहा जाता है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ डेथ चेयर है। रोमन एम्परर क्लेडियस सीजर
को उसकी वाइफ के द्वारा 54 AD में अमानिता फैलॉइड्स, जिसको कि डेथ कप कहा जाता है, ये वाला कवक, इसके पॉइजन को फूड में मिलाकर मारा गया था। तो बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही विषैला मशरूम है ये, हालांकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए, कवक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छे कवक, जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं, ये दो तरह के, जायंट पफ बॉल और दूसरा पफ बॉल। जायंट पफ बॉल कालवेशिया जाइजेंशिया है, जिसकी डायमीटर लगभग 1 मीटर डायमीटर का ये कवक होता है, बहुत जायंट इसकी साइज है। जबकि ये दूसरे तरह का कवक है जो कि लाइकोपर्डोन है। इस लाइकोपर्डोन में हम यहाँ देख रहे हैं कि स्मोक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के स्मोक है या पफ ऑफ स्मोक इसमें प्रोड्यूस होता है। और ये कहा जाता है कि जो जायंट पफ बॉल है उसमें नंबर ऑफ स्पोर्ट्स लगभग 7 ट्रिलियन प्रोड्यूस होते हैं। 7 ट्रिलियन मीन्स 7 × 10^12, बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये अनबिलीवेबल है कि नेचर इतना वेस्टफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स, सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। ये कवक जिसने की हिस्ट्री बनाई है, पेनिसिलियम नोटेटम, यह सोर्स है फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। और यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है एंटीबायोटिक की खोज। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना था वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बना था, जो कि ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाता है, जो ब्रेड पर या फ्रूट्स पर ब्लू ग्रीन कलर का फंगस ग्रो करता है। देन क्लेविसेप्स परपूरिया, जो एक डिजीज कोज करता है राई में, उसका नाम है अर्गाटोफ्राई। इसमें जो है ग्रेन बनने की बजाय ये स्क्लेरोशिया बन जाता है, ये स्क्लेरोशिया बनता है। इसमें अल्केलॉइड्स होते हैं, ये अल्केलॉइड्स है अर्गाटमीन, अर्गोमेट्रीन एंड अर्गोनोविन। और इनको लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान चाइल्ड बर्थ के समय जो हेमरेज या ब्रीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। और इसमें LSD लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड पाया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सकों के द्वारा मेंटली डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स के इलाज के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अल्केलॉइड्स हैं जिसको काम में लिया जाता था। हालांकि पहले ये डिजीज़ कोर्स करता है, वहाँ से इसको उसमें स्टार्ट किया गया था, वहाँ से इसको निकाला है। देन गेनोडर्मा ल्यूसीडम, ये जड़ी बूटियों का चमत्कारिक राजा कहा जाता है। चीन में इसको लिंगशी और जापान में इसको रैशी के नाम से पुकारते हैं। इस कवक का उपयोग रोग प्रतिरोधन और कैंसर के उपयोग में किया जाता है। यह रक्त शुद्धिकरण और कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में कारगर है। तो ये गेनोडर्मा ल्यूसीडम मैजिक मशरूम और मेराक्यूलस किंग ऑफ हर्ब्स माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कवक है जिसको जापान और चीन में काम में लिया जाता है औषधीय उपयोग में। देन बहुत सुंदर जो कि बायोल्यूमिनेसेंट फंगस हैं जो लाइट एमिट करते हैं, इन्हें फॉक्स फायर, कूल फायर और नेचुरल लैंटर्न भी कहते हैं। ये लाइट उत्सर्जित करते हैं। इसमें जीन होता है ल्यूसीफरेन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ल्यूसीफरेस एंजाइम से उत्प्रेरित होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा फंगस है जो जंगल में एक तरह से रोशनी डालता है, जिसको कई बार टॉर्च या लैंटर्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि सोल्जर्स पहले इसके टुकड़ों को अपने सिर पर हेलमेट की जगह लगाते थे ताकि ये रास्ता या पथ प्रदर्शित कर सके। देन बहुत ही सुंदर शेप है इन कवकों की, जिसमें अर्थ स्टार कवक है, स्कारलेट कप कवक और बर्ड्स नेस्ट फंगस, बिल्कुल चिड़िया के घोंसले के जैसे दिखाई दे रही है।
ये स्टार के जैसे हैं और ये स्कारलेट कप फंगस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत फंगस है जिसको बहुत ही मनोहारी इनकी आकार और आकृति है, और ये कवक काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और उससे भी सुंदर कवक कोरल फंजाई, ये कोरल रीफ से रिलेटेड है। कितने सुंदर कलर्स हैं इसके अंदर, हर तरह के कलर के साथ में कोरल फंजाई है, बहुत ही सुंदर फंजाई है जिसको देखकर आकर्षण होना वाजिब है। दूसरा ब्रेन मशरूम, क्या शेप है इनकी, ब्रेन के लाइक शेप है, ये येलो ब्रेन मशरूम है और दूसरे ब्रेन मशरूम है ना काफ़ी खूबसूरत। फिर कुछ और अमेजिंग और ब्यूटीफुल मशरूम, जैसे कि ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्तों की जैसे दिखाई दे रहा है, ये है हनी कॉम फंजाई, और ये लैक्टाइरस इंडिगो जिसको कि इंडिगो मिल्क कैप और ब्लू मिल्क मशरूम भी कहा जाता है, तो इसका लेटेक्स कट सरफेस पे जब इसका लेटेक्स निकलता है तो वो इंडिगो कलर का होता है, और ये है डिक्टियोफोरा इंड, कितना ही खूबसूरत कलर्स हैं इसमें। और ये मेडिसिनल मशरूम है जिसको इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रिक और न्यूरल डिजीजेस में काम में लिया जाता है। और इतनी कवकों की खूबसूरती और इतने कवकों के उपयोग, इनका मैजिकल, मिस्टीरियस और मेडिसिनल रोल के हिसाब से जो बहुत सारे पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कवि हैं, और इसी तरह से मूवी के डायरेक्टर्स को भी इन कवकों ने अट्रैक्ट किया है और इन पर एक मूवी बनाई है लुई श्वार्टबर्ग ने, और उस मूवी का नाम है फैंटास्टिक फंजाई, और इसमें सारे कवकों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसको फिल्माया गया है। तो ये है कवकों की रंग बिरंगी दुनिया जिसने बहुत लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, और ये बहुत सुंदर कवक है। थैंक यू।